धन्यवाद मुलाकात करने का। आज हिंदी फिल्म के विराट पुरुष सुभाष घई से हमारी मुलाकात हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुभाष जी, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। 36 फार्म हाउस OTT पे आपकी, जिसे कहते हैं, डेब्यू है ये। आपने इसका म्यूजिक भी बनाया और आपने इसको लिखा भी है, कैसा लग रहा है? मैंने अपने जीवन में 50 साल के प्रोफेशनल लाइफ के अंदर 42 फिल्में प्रोड्यूस की हैं और 19 फिल्म जो है मैंने डायरेक्ट की हैं, जिसमें से 14-15 जो है सुपर हिट्स रही हैं। तो वो एक दौर है जब 30-35 साल में मैंने फिल्म सिनेमा में बहुत फोकस किया था। उसके बाद फिर मैंने तब कंपनी को कॉरपोरेट बनाया और बहुत सी पिक्चरें प्रोड्यूस की। उसके बाद फिर मैंने विस्टलिंग बोर्ड्स इंटरनेशनल, एक म्यूजिक फिल्म स्कूल है, वो बॉम्बे में सेटअप किया, जिसको आज 15 साल हो गए हैं, जिसमें से 2500 बच्चे जो हैं इस वक्त डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और मीडिया कंपनी में काम करते हैं। तो ये छोटी सी जर्नी है मेरी, लेकिन हर जर्नी में अगर आप देखेंगे तो मैंने अपने आप को डिस्कवर और रीडिस्कवर किया है और मैंने कोशिश किया है कि और नया मैं क्या कर सकता हूँ। जो पुराना किया है वो मैं करना नहीं चाहता और जो नया है वो मुझे बहुत एनर्जी देता है। तो अब जब से OTT आया तो मुझे नई एनर्जी मिली कि भाई एक OTT प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हम लोग सिनेमा वाले अपनी कहानीकार जो हैं, बिकॉज आई एम स्टोरी टेलर, सो आई कैन टेल ए स्टोरी ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो। सो 36 फार्म हाउस, जब हमारे जी स्टूडियो से बात हुई और हमारे एक आपस में समझौता हुआ कि हम 2-3 फिल्में बनाएंगे साथ में, तो उस टाइम में लॉकडाउन था 2020 मई में। तो उन्होंने कहा आप कौन सी कहानी लेंगे, तो मैं बोला जो आज की कहानी है। बोले आज की कहानी क्या है, मैंने आज की कहानी लॉकडाउन है, पेंडेमिक है और पेंडेमिक में लोगों के क्या क्या दिशाएं हो रही हैं, दिशाएं पे जा रहे हैं। आप देखिए कि टेलीविजन में दिखा रहे हैं कि कितने मुंबई के हजारों माइग्रेंट जो हैं बेचारे अपने घरों में जा रहे हैं, कभी पैदल जा रहे हैं, कभी ट्रेन पे, कभी बसों पे चढ़ के जा रहे हैं। और मैं इसमें से कहानी निकालता हूँ, लेकिन कहानी में एंटरटेनिंग लूंगा क्योंकि ये सीरियस सब्जेक्ट भी है और इसके अंदर कॉमेडी भी छुपी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी कहानी लिखी जाए कि लॉकडाउन के टाइम पे एक बाप बेटे हैं माइग्रेंट अलग अलग तरीके से, और वो चलते 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 उनको रास्ते में एक बहुत रिच फार्म हाउस मिलता है जहाँ उन्हें नौकरी मिल जाती है। जब नौकरी मिल जाती है तो सोचते हैं कि यहाँ नौकरी करके हम अपना करियर बना सकते हैं, घर में कुछ पैसा ले जा सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि यहाँ तो बहुत ही सुपर रिच लोग हैं, डायमंड से बिस्तर भी पड़े हुए हैं, तो सोचते क्यों ना हम चुरा लें। तो चोरी की इंटेंशन उनकी बदल जाती है और चोरी के इंटेंशन से वो देखते हैं कि ये जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, ये फार्म हाउस को एक बहुत पुराना लेडी है 85 ईयर्स ओल्ड की, वो उसका फार्म हाउस है और उसके 3 बेटे हैं और उनकी एक फैमिली है। अब ये क्या देखते हैं जो गरीब लोग हैं कि अमीर लोग तो हमसे भी बड़े चोर हैं और ये जो बड़े चोर हैं ये तो एक क्राइम लेवल पर चले गए हैं, यहाँ पर तो मर्डर मिस्ट्री भी है, यहाँ पर तो एक दूसरे को काटना भी है और एक दूसरे का, बिकॉज उनका ग्रीड लेवल के ऊपर चोरी है, हमारी नीड लेवल पर चोरी। तो ये थीम जब मुझे मिला तो मैंने उसके ऊपर कहानी लिखी। फिर हमारी मुक्ता स्टोरी आर्ट्स में हमारी यंगर जनरेशन के जो राइटर्स थे उनको बुलाया और वहाँ डेवलप किया और फिर हमने कास्टिंग। और सुभाष जी, आपने म्यूजिक जो है आपने लिखा भी है, गाने भी 2 लिखे हैं और म्यूजिक कंपोज भी किया है। लॉकडाउन के पीरियड ने मुझे काफी हेल्प की क्योंकि मैं अकेला था, कमरे में था, कंप्यूटर मेरे सामने था, लिखता था। तो कहानी लिखते लिखते नॉर्मली मैं गाने के मुखड़े तो मैं लिखता ही था, पहले भी लिखता था, आज भी लिखता हूँ, क्योंकि डायलॉग लिखते लिखते वो जुमला आ ही जाता है कोई ना कोई। तो कैरेक्टर के हिसाब से मैंने 2 गाने लिखे। फिर मैंने सोचा कि भी किसके पास जाऊँगा, सब कुछ तो बनना, इंडस्ट्री बनना है। तो मैंने अपने फिल्म म्यूजिक स्कूल जो है विस्लिंगवुड का, उसके स्टूडेंट्स को कंप्यूटर पर बुलाया और इंटरेक्ट किया कि मैंने ट्यून बनाई है, चलो इसके ऊपर हम लोग गाना बनाते हैं। और वहाँ इंटरेक्ट करते करते उनमें टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए प्रोग्रामिंग किया, उसके म्यूजिशियंस को मैंने बताया कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं और ऐसा किया, जिस वक्त पूरा गाने बन गए 3 गाने हमारे। तो उसके बाद मैंने थोड़ा लॉकडाउन खोला तो स्टूडियोज में गए, स्टूडियोज में उसको प्रोफेशनली रिकॉर्ड करवाया। उसको रिकॉर्ड करने के बाद फिर मैंने सोनू निगम और हरिहरन जी को रिक्वेस्ट किया फोन पे, ये गाने भेज रहा हूँ अगर आप गा सकते हैं, अच्छा लगते हैं तो आप गई, नहीं अच्छे लगते तो मुझे वापस भेज दीजिए।
हमारे बच्चे गाले, तो उनको गाने बहुत अच्छे लगे, उन्होंने गाए। सोनू निगम जी ने मोहब्बत मोहब्बत सॉन्ग गाना गाया, और हरिहरन जी ने माइंड योर बिजनेस तू आगे निकल एक चर्पी सॉन्ग है वो गाया। तो दोनों गाने आज बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, मुझे आज खुशी है कि आज सबको पसंद आ रहे हैं। और 21 जनवरी को अभी हमारी ये फिल्म जो है Z5 के ऐप में आएगी, और Z5 के ऐप में आप देखेंगे कि एक फैमिली एंटरटेनर भी हम लोगों ने इस OTT प्लेटफॉर्म के लिए बनाई। सुभाष जी, गानों के साथ मैंने देखा कि आपका कुछ लक जो है वो एक ऐसा जुड़ा हुआ है कि गानों से आपको बड़ी जिसे कहते हैं प्रसिद्धि, तो आपको कालीचरण के टाइम से पता नहीं क्या क्या आपने फिल्में बनाई, ऋषि कपूर को लेके कर्ज बनाई, दिलीप साहब को लेके विधाता बनाई, सौदागर बनाई, मतलब एक लंबी सूची है आपके नाम में आपकी। लेकिन गानों का मैंने देखा कि आप कुछ थोड़े से लकी रहे, आपके कुछ गाने जैसे कि जिन फिल्मों में से आपका संबंध रहा, माधुरी दीक्षित का जो गाना था वो तो उसने तो पूरा तूफान मचा दिया था पूरे देश में, चोली के पीछे क्या है, और इसी तरह से जो है खलनायक के जो गाने जो थे वो बहुत हिट हुए थे, और AR रहमान ने अभी आपके बारे में ये कहा था कि उनका जो जय हो था वो भी आपका दिया हुआ वर्ड शब्द थे, जय हो। देखिए, जब आप में किसी कला के लिए भक्ति होती है या किसी किसी बंदे के लिए भक्ति होती है, जब भक्ति होती है वो शक्ति बन जाती है, और जब शक्ति बनती है तो वो कला अपने आप में निखरती चली जाती है। पहला तो आपका डिवोशन उसके अंदर बहुत होना चाहिए। म्यूजिक में मेरा हमेशा बचपन से डिवोशन था, उसको सुनना सुनना सुनना, समझना समझना। तो म्यूजिक कंपोजर के साथ भी जब मैं फिल्में लिखता था, मुखड़े देता था, आइडिया बताता था कि गाना इस तरह से होना चाहिए, करेक्ट ऐसे गाएगा, उनके लिए भी आसान हो जाता था, चाहे वो रहमान साहब आए या लक्ष्मीकांत करेला। और उनसे भी का साथ मैंने इतने साल काम करने के बाद सीखा कि गाने कंपोजिशन में उसका व्याकरण क्या होता है, उसका ग्रामर क्या है, वो भी मैंने उनसे सीखा। तो मेरे लिए इतना एक्सपीरियंस होने के बाद ये गाने लिखना दोनों बड़े आसान बात थी, कोई मुश्किल नहीं था मेरे लिए। पोइट्री में लिख देता हूँ, गाने में लिख देता हूँ, डायलॉग्स में लिखता हूँ, कहानियां मैं रोज एक हर हफ्ते में एक कहानी तो मैं बना ही लेता हूँ, और वो आज की कहानी होती है या कल की होती है। मैं किसी भी अपनी पुरानी कहानी को रिपीट ना करता हूँ, ना मैं देखता हूँ, ना मैं चाहता हूँ। अच्छा, एक बात और सुभाष घई साहब आपके बारे में है, वो ये कि आप बहुत बड़े जुआरी हैं, नए नए लोगों को बिल्कुल बेखौफ होकर के आप लॉन्च करते हैं, आप अपना कोई नफा नुकसान नहीं देखते। जैकी श्रॉफ जैसा नाम और दूसरे भी बहुत से ऐसे लोग इस, और इसी 36 फार्म हाउस में भी आपने एक नए लड़के को चांस दिया है, ये मतलब आपकी एक अजीब खूबी जो है। इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में जुआरी होना बहुत जरूरी है सर। जुआरी का मतलब होता है कि लुट जाने के लिए भी तैयार रहिए। जब आप लुट जाने के लिए भी तैयार रहते हैं तो आप न्यू कमर को चांस देते हैं, न्यू कमर को इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो एक्टर हो या म्यूजिशियन हो या कोई भी हो, तो उसमें आप में शक्ति होनी चाहिए। जब वो रिस्क फैक्टर आप ले सकते हैं, फिर वो बच्चे लोग भी काम करते हैं अपनी पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। और अगर जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, मनीषा कोरेला, महिमा चौधरी, वाशु राय ये बने हैं तो ये अपनी मेहनत से भी बने हैं। हमने उनको सिर्फ पुश किया, हमने उनको गाइड किया, हमने उनको सिर्फ समझाया, लेकिन बड़ी जिंदगी का कैरियर तो उन्होंने खुद का बनाया ना। सो मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं यंगस्टर के साथ अपने नॉलेज एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ, वही कारण है कि मैंने मिशेल गुड्स इंटरनेशनल जो सेटअप किया बॉम्बे में, आज 15 साल हो गए, आज 2000 से ऊपर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बनाई है, वो पूरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है सर, मुझे बताइए। ये 36 फार्म हाउस में संजय मिश्रा और विजय राज दोनों ही जो हैं, लेकिन विजय राज को आपने एक बहुत गंभीर एक व्यक्तित्व आपने उनको जो दिया है, विजय राज को उनका जो कैरेक्टर है फिल्म के अंदर जो ट्रेलर से हमें पता लगा, तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि उनको एक कॉमेडियन के तौर पे एक उस तरह हास्य के उसमें लिया जाता। संजय मिश्रा का रोल तो जाना पहचाना लग रहा है जैसा कि मैंने ट्रेलर देखा, लेकिन विजय राज जो है उनको आपने एकदम संजीदा कैरेक्टर दिया है। देखिए, विजय राज जो है ना वो एक बहुत उम्दा एक्टर है, वो अपनी एक पावर
सिनेमा में रखते हैं, और जब मैं उनसे मिला और उनको पहचाना और उनका जो रोल लिख रहा था मैं, तो उनकी पावर को मैंने यूज किया। आपको मालूम है कि जब वो बहुत पावर होते हैं तो आपको डर भी लगता है उनसे, बिकॉज ही बिकम्स ए पावरफुल, और आपको हंसी भी आ जाती है। 36 फार्म हाउस में मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन ये हास्यरस की पिक्चर। तो जिस वक्त वो जितने पावरफुल होंगे, उतना ही जो विजय संजय मिश्रा का जो कैरेक्टर है कुक का, उसके सामने कुछ बोल नहीं सकते, उसको असत्य राज उनके मालूम पड़ते रहते हैं। तो एक हाइड एंड सीक, एक कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर होने की वजह से ये फिल्म जो है पूरी एंटरटेनमेंट बन जाती है, एंटरटेनिंग हो जाती है पूरी फिल्म सब्जेक्ट जो है। सो दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा। बाकी अश्विनी कलसेकर भी हैं और भी हैं, इशिता देशमुख भी हैं, बहुत से लोग हैं, अच्छा काम किया। तो ये मर्डर मिस्ट्री भी है और थोड़ा सस्पेंस भी है इसमें, फैमिली एंटरटेनर है। अगर आप देखें तो इसको 6 साल से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग भी आराम से पूरे घर में बैठ के ओटीटी में देख सकते हैं Z5 पे। सुभाष भाई साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, वो ये कि आपने दो जनरेशन, मतलब आप देखिए कितनी पुरानी 1960 से आपकी यात्रा शुरू हुई और अब जो है हम लोग 2022 में हैं, टेक्नोलॉजी पूरी बदल गई, लोग पूरे बदल गए और लोग भी दो बार बदले, मतलब दो पीढ़ियां, तो कैसा लग रहा है अब आप? जो बदल गया वो बदल गया, जो बीत गया वो बीत गया, उसमें क्या उनको देखना। अब जो आ रहा है उसे याद कर, जिनके साथ तू मैं, मेरे यंगस्टर है, मेरे सब टीम है, मेंबर्स हैं, 21 से लेकर 28 साल तक, उनमें मैं जीता हूँ, उनमें हंसता हूँ, उनमें खेलता हूँ, उनमें क्रिएशन करता हूँ। आज टेक्नोलॉजी मेरे साथ है, सब बच्चे मेरे साथ हैं, हम सब मिलके उनके साथ खेलते हैं। मैंने तो कभी याद भी नहीं किया कि मैं कुछ सीनियर हो गया हूँ या वो दो जनरेशन में क्या हुआ था। वो जो विश्लेषण करने वाले वो करते रहे। आई एम स्टिल ए 24 years, 25 years ओल्ड बॉय एंड लिविंग विद ऑल दिस यंगस्टर्स, क्रिएटिंग समथिंग न्यू फॉर टुमारो, नॉट फॉर यस्टरडे। तो हमारी शुभकामनाएं हैं 36 फार्म हाउस के साथ, और आपके आने वाले जो और प्लान्स हैं, हम चाहते हैं कि और एक जनरेशन भी जो है आपके जलवे देखे। थैंक यू वेरी मच साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न से बात करने के लिए। सुभाष घई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू राजीव जी।